उसी समय में ये सुबुद्धि राय ये था मंत्री पद में और एक मुसलमान इसके अधीन में काम कर रहा था, पैसा के काम कर रहा था, लेन देन पैसा की। वो मुसलमान ने कुछ पैसा की हेर कर किया और वो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो इसका जो सजा था मृत्यु दंड। लेकिन हिंदुओं का हृदय बड़े कोमल होता है, इतने कोमल होता है, वो तो चाहते हैं उनको प्यार को नीचे एक चिट्ठी तक भी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि हर जीव में भगवान की अनुभूति करते हैं, सब भगवान की संतान है, भले ही किसकी अच्छा नहीं कर सके, किसको बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, भलाई भले ही नहीं कर सके, इसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। राधा विनोद बिहारी जी की अभी उसने बड़े दयालु है, उसने किया कि बोले उसको मृत्यु दंड नहीं दे करके, बोले बेचारा कोई बात नहीं, चोरी तो किया है, लेकिन उसको पीठ में एक कोड़े मारे, जोर से बड़ी जोर से कोड़े मारे, कोड़े मारे तो उसको पीठ में एक दाग आ गया। अभी भाग्य है, पता नहीं भाग्य में क्या क्या होता है। एक समय क्या हुआ, किसी भाग्य के चक्कर में एक जो सुबुद्धि राय ये हो गया उसके अधीन में काम करने वाले, और वो जो मुसलमान था ना, वो मुसलमान आ गया राजपति, राजा पद में आ गया मुसलमान। भाग्य की चक्र है, दिन के बाद में रात और रात के बाद में ये दिन आती है, हेर फेर में पूरा उल्टा हो गया, मुसलमान क्लियर आ गया। अभी क्या 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 बात कर रहे हैं प्रभु जी की तरह, उसको इतना दूर से रखे हरे कृष्ण। इसलिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको इधर सचिनंदन गौर हरि की जी। हो नहीं रहे, छोटा नहीं हो रहा, नहीं नहीं पिक्चर पिक्चर छोटा करना है, पिक्चर पिक्चर का साइज निचला पुस्तक का। हां आप ऐसे करते तो आप ठीक है, पिक्चर हां ऐसे करते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। भाग्य चक्र में राजा ही हो गया प्रजा और प्रजा हो गया राजा, अभी वो मुसलमान हो गया राजा। एक दिन उसका बेगम, उसकी जो रानी थी, उसको पीठ गोबर तेल लगा रही थी, तेल लगाते लगाते देखा उसको पीठ गोबर में बहुत बड़ा एक दाग है। पत्नी ने रानी ने बोला ये क्या है, अब पीठ में दाग क्यों, मैंने कोई बात नहीं, बोली नहीं ऐसे थोड़ी दाग लग जाए, जरूर कुछ है। देखो एक होता है स्त्री हाट, एक होता है बाल हाट और एक होता है जोगी हाट, जानते कि नहीं? अगर बालक कोई हाट कर ले ना, देखना जब तक उसको इच्छा नहीं पूरी करके रोता रहेगा। और एक होता है स्त्री हाट, स्त्री हाट मतलब क्या, अगर स्त्री ने बोल दिया नहीं मेरे को ऐसे साड़ी चाहिए, नहीं तो यही चीज हमें चाहिए, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी, हैं? और एक होता है जोगी हाट, जोगी हाट सबसे बड़ा हाट है,
हैं, भगवान को प्राप्त करेंगे तो जरूर ही प्राप्त करेंगे, हैं, इसलिए उसको कहते योगी है। अभी पत्नी ने कहा आपको बताना पड़ेगा, बोले ऐसी कोई बात नहीं, बोले नहीं बताना पड़ेगा कि क्या चीज है। तो उन्होंने बताया, एक दिन मैंने कभी प्रजा में था और ये सुबुद्धि राय था राजपद में, मैंने कभी राज बीत संपत्ति को बिना चोरी की है, इसलिए इसका जो दंड था मृत्यु दंड, लेकिन वो हिंदू था इसलिए हिंदुओं का हृदय बड़ा दयालु होता है, उसने केवल पीठ को एक कोड़े मार करके मेरे को छोड़ दिए, इसलिए मेरे ऊपर भी दया की है। बोले अभी तुम राजा बने हो, अभी उसका प्रतिशोध लो, इसको मृत्यु दंड दो, इसको मृत्यु दंड दो। बोले नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, मेरे ऊपर में उसने बड़ी कृपा की थी, ऐसे दंड में दे नहीं सकता हूँ। बोले अगर ऐसे नहीं दे सकते उसका जाति ले लो। पहले सभी का अंदर बड़ा अभिमान, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ, इसलिए बड़ा अभिमान होता था, नहीं हम किसी जाति में किसी धर्म में मैंने जन्म लिया है, भले प्राण चले जाए, हाँ, भले प्राण चले जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ते थे, हैं, बोले एक काम कर इसको अब जात ले लो। बोले कैसे जात ले ले, उनके पास में एक बदना होता है, पता नहीं उस किस चीज में गया कि मांस मांस पता नहीं होगा किस चीज में, अगर उसमें इसको पानी पिला दो ना उसको जात चली जाती है, हैं, उसको जात चली जाती है। अगर उसने बदना में उसको पानी पिला दिया तो इतने दुखी हो गया, मेरी जात ही चली गया, हिंदू से मैं मुसलमान हो गया, अभी मैं फिर हिंदू कैसे बनू, अपना धर्म में फिर कैसे दो बार आऊ। उसने ब्राह्मण को पास में जाकर काशी में पुरी में वृंदावन धाम में जहां पर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं, उनको पास में गए, बोले फिर मैं कैसे हिंदू बन सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने जो जो रास्ता बताया ना, मृत्यु दंड बताया, किसने कहा घी को एकदम गर्म करो, जब खोलेगा ना एकदम वो घी को तुम पी लो, मतलब क्या होगा मृत्यु दंड, किसने कहा लोहे को पिघल करेगी, जब पिघल जाएगा ना उसको पी लो फिर क्या है मृत्यु दंड है, किसने कहा जो कंडा होता है ना, बोले कंडे को बीच में बैठ जाओ और उसमें आग लगा दो, बोले ये तो बहुत बड़ा है, हैं? ये तो बहुत बड़ी सजा है, हैं? ये तो बहुत बड़ी सजा है। अभी उसने बड़ा चिंता में पड़ गया, जहां जहां जाए हैं? जो उसके लिए जो परामर्श देते हैं वो तो बड़ी कठोर, मतलब मृत्यु है। ऐसे भ्रमण करते करते एक दिन उन्होंने सुना है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, कोई एक महान, कोई भक्त मानते हैं, कोई उनको भगवान मानते हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े भगवान, कोई महाप्रभु आए, वो जो बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने भ्रमण करते 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 श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुंचे। बोले प्रभु ऐसे ऐसे हो गया, अभी बताओ मैं फिर अपना जात में कैसे आ सकता हूँ। महाप्रभु ने कहा तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम ही जप करो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे भगवान का नाम जप करने से। विष्णुदूत कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हलनं विवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। अगर किसी तरह से संकेत करके इशारा करके मतलब जैसे बच्चे का नाम कृष्ण रख लिया, गोविंद रख लिया, राम रख लिया, बच्चे को बारंबार बुलाते हो कन्हैया आ जाओ राम आ जाओ, इसको संकेत है। एक समय हमारे गुरुजी एक कथा सुना रहे थे, बोले एक समय एक जंगल में पांच चोर रहते थे, पहले लोग जंगली जंगल था, जंगल दे करके आते थे जाते थे, ये लोग पांच जगह पर अलग अलग ऊपर खड़े हो जाते थे और भगवान का नाम कोई इशारा करके ना चोरी करते थे, हैं,
अगर एक व्यक्ति अगर दूर से देखे एक व्यक्ति आ रहा है, दूसरों को इशारा करता था, बोले नारायण नारायण, नारायण मतलब भगवान का नाम है, नारायण हर जीवों का जो आश्रय है। लेकिन वो क्या बोलते थे, नारायण एक इंसान आ रहा है, सावधान हो जाओ, एक इंसान आ रहा है। तो दूसरे व्यक्ति को पास में पहुंचता था, बोले गोपाल गोपाल, भगवान गैया को पालन करने वाले गोपाल है। लेकिन जो गैया चराते है ना, थोड़ी बुद्धि कम होता है, इसलिए कहते भैया लगता है ये आदमी बड़े भोला भाला आदमी है, चोरी करने में अच्छा रहेगा, लगता है थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी है बुद्धि कम है। जब तीसरे जगह पर पहुंचता था वो बोलता था, हाँ बोले दामोदर दामोदर, कृष्ण बचपन में मक्खन ने चोरी की, इसलिए भैया ने उनको उखल में बांध दी थी, दाम मतलब होता है रस्सी और उधर मतलब कमर, कमर में रस्सी बांध दी थी, इसलिए दामोदर नाम पड़ा। लेकिन वो क्या बोलता था, दाम मतलब होता है ना चमड़ी दमड़ी, कहते हैं ना दमड़ी मतलब पैसा, दाम मतलब होता है पैसा, उधर मतलब कमर, बोले भैया इसको पास में लगता है माल है, कमर में कुछ लग रहा है दिख रहा है कुछ माल है, दामोदर दामोदर। और थोड़ी दूर जाए तो चौथा बोलता था वासुदेव वासुदेव, वसुदेव का बेटा वासुदेव है। लेकिन वो बोलता बांस लाओ और पिटाई करना शुरू कर, इसलिए वासुदेव वासुदेव। जब लास्ट व्यक्ति को पास में पहुंचता था ना, बोले हरी हरी, बोले जो कुछ उसको हड़प लो सब कुछ मार लो। और ऐसे ही भगवान का नाम पर इशारा करके चोरी करते थे। इतने में हठात आकाश में बारिश हो रही थी, इतने में बिजली गिरी, ऐसे बिजली गिरी, बिजली गिरते ही पांचों के पांच समाप्त। लेकिन चूंकि अंतिम समय पर भगवान का नाम को ग्रहण कर रहे थे, ठाकुर जी के नाम को ग्रहण कर रहे थे, लेकिन भगवत नाम ग्रहण करने का वजह से उनको क्या हो गई, वो सबके सब मुक्ति हो गई, सबके सब बंधन से मुक्त होकर के भगवत चरणों को प्राप्त कर ली। इसलिए कहते अगर किसी तरह से भगवत नाम अगर जीवा से निकल जाए, बोले अशेष अगहरम विदो, बोले एक जन्म नहीं, कहते जन्म जन्मांतर का जो पाप है भगवान का नाम नष्ट कर देते। इसलिए पहले हमारे सब लोग तो बाहर तक गए, इसलिए देखना सब पहले बच्चों का नाम कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश सीता गीता सावित्री रमा है, इसलिए राधे, सब देखना सब पहले जितने लोगों नाम आप देखोगे सब भगवान का नाम पर रखते थे। क्यों, बोले भैया किसी तरह से बच्चे का उद्देश्य से क्या हो जाए, भगवान की नाम तो निकल जाए है। लेकिन अभी हमारे भारत में भी वेस्टर्न कल्चर आ गया, बोले ये सब पुराना नाम था है, ये सब पुराना नाम था कृष्ण गोविंद, हम तो बच्चे को सब अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, विदेश का नाम रखने टुल्लू बुल्लू सब विदेश में जितने कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों का नाम अभी कुत्तों का नाम रखवाते हैं, कहते नहीं भगवान का नाम रखने नजर लग जाएगी, नहीं इसलिए कहते हैं सांकेत्यम परिहासम परिहास करके तो मतलब कीर्तन करते हुए इशारा करते हुए अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम उच्चारण हो गया तो क्या बोलते हैं, बोले अशेष अगहरम विदु, बोले एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का जो पाप है उसका नष्ट हो जाता है, वो सारे नष्ट हो जाता है। इसलिए महाप्रभु बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई घी गर्म करके पीने का जरूरत नहीं, लोहे गर्म करके कंटे को बीच में बैठ करके आग लगाने का जरूरत नहीं, केवल एक ही काम करो, बोले क्या है, बोले मधुरम मधुरम मित्र मंगल अंग मंगला नाम सकल निगम बलही सत्फल चित स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हिलयवा भृगुवर नर मात्र तारयति कृष्ण नाम। कहते हैं भगवान का नाम मीठे से भी मीठा, मधुर से भी मधुर, मंगल से भी मंगल है। सारे शास्त्र को अगर मंथन करेंगे ना, अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो भगवान का नाम है, हैं? इसलिए बोले एक जन्म नहीं, बोले अशेष अगहरम विदु, अशेष हैं? जैसे जैसे उदाहरण देते हैं विष्णु दूत, क्या उदाहरण दिया, जैसे रुई का ढेर हो, रुई का ढेर हो अगर उसमें एक आग की छिनकारी पड़ जाए ना,
सब के सब जला करके राख बना देता है, घूस का ढेर हो, पेट्रोल हो, अगर आग की एक चिंगारी पड़ जाए तो फिर क्या होगा, सब के सब जला करके ये राख बना देता है, हैं? सब के सब ये राख बना देता है। इसलिए भगवान का जो नाम है बड़ा शक्तिमान भगवान का नाम, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, केवल बैठो, बैठ करके केवल भगवत नाम जप करो। इसलिए महाप्रभु उनको दो उपदेश दिया था, बोले दो काम करो, बोले क्या दो काम करो, बोले वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन, दुई कर सिद्ध बाबे श्री कृष्ण चरण, दो दो काम करने के लिए बताए। एक तो बोले आप लोग मथुरा में गए हैं, कौन कौन मथुरा में गए हैं, वहां पर जो हरिदेव मंदिर है, गए ना हरिदेव मंदिर की जन्म स्थान को पीछे जो हरिदेव मंदिर है, एक काम कर तुम यहीं पर बैठ रहो, और बंगाल से संत लोग आते हैं, जब बंगाल से ये संत लोग बंगाल से आएंगे, ये लोग बंगाल का लोग ना चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, बंगाल लोग क्या खाते हैं, चावल, रोटी नहीं खाते हैं, इसलिए अगर रोटी कोई खाए ना, बोले इतना गर्मी आ गया तो रोटी खा रहे हो, इसलिए रोटी नहीं खाते थे और चावल खाते हैं, और चावल खाते हैं, इसलिए बोले एक काम करना, और वो स्नान करने से पहले सरसों तेल शरीर में लगाते, सरसों का तेल शरीर में लगा करके वो स्नान करते हैं। बोले एक काम करो, इसी मंदिर में तुम बैठ रहना, और जितने भक्त लोग आएंगे ना सबका चरण धुल लेना, और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो प्रणामी पैसा आएगी उसी पैसा से बंगाल से जो संत लोग आएंगे उनके लिए तुम चावल खाने का व्यवस्था कर देना, उनके लिए सरसों का तेल और उनको रहने का और खाने पीने का थोड़ी व्यवस्था कर देना, क्योंकि संतों का हृदय में भगवान का निवास है। जब तुम संतों की सेवा करोगे, जब संत खुश हो जाते हैं, ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक काम करना, संत सेवा तुम करना, और क्या करना, यही बैठ करके तुम ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की नाम जप करना। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक कृष्ण नाम जब तो पाप हरे, पापी र साधन है तब तो पाप करे, मतलब एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, वो इतने पाप को नष्ट करता है, बल्कि पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है। अजय मेल कितना पाप किया था, केवल अंतिम समय में उसने क्या किया, अंतिम समय में केवल अपना बेटे को उसने नारायण भगवान को नहीं बुलाया था, उसने अपना बेटे को, इसलिए वहां पर बताए देखो ठाकुर का नाम में कितने शक्ति है। उसने जब किसी कौन सा अवस्था में नाम लिया, वो टाटी पेशाब कर रहा था, जमदूत को देखा, गले में फांस लगाया हुआ था, वो डरा हुआ था उनको देख करके, और डर करके ना टाटी पेशाब कर दिया। इसलिए बोलते हैं मरते समय अगर कोई टाटी पेशाब करते हुए मरे ना, समझना सीधा नरक गया है। टाटी पेशाब क्यों करता है, वो इतने पाप किया, जमदूत उसको बड़ी परेशानी, बड़ा कष्ट देकर मार मार कर पीट पीट करके उसको ले जाते हैं, इसलिए वो टाटी पेशाब करता है। अगर अंतिम समय में अगर कोई आंख खोल दिए, मतलब उसका जो मृत्यु है आंखों से गया है, किसी किसी देखना मृत्यु हटा मुंह खुल जाती है, उसका जो प्राण है मुंह से गया, और कभी कभी देखना उसका ब्रह्म तालु फट जाती है, हैं? ब्रह्म तालु फट जाती है, इधर से कभी कभी प्राण जाती है, इनको अच्छी गति मानी गई, इनकी अच्छी गति मानी गई है। लेकिन अगर टाटी पेशाब करते हुए गया तो समझना ये बहुत बुरे तरह से मृत्यु हुई इसको। इसलिए हाँ यहाँ पर बताए उसने जिस समय नाम ग्रहण किया, एक तो टाटी पेशाब कर रहा था अपवित्र अवस्था में, दूसरा उस समय जब भगवान का उसने नाम उच्चारण किया चित्कार करते हुए, मतलब स्थिर बुद्धि से नहीं, जैसे हम बैठ करके भगवान का स्थिर होकर के प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन वो स्थिर से नहीं, डरते हुए, बेटा नारायण डरते हुए, हाँ, और किसी स्थिति में फिर भगवान को नहीं, वो अपना बेटे को बुलाया, अपना बेटे को बुलाया उसने, लेकिन इसी स्थिति में भी
और अजाम बिल्लाती मतलब इतने बड़े पापी होते हुए भी मुंह से एक बार बेटे के लिए नाम को ले लिया तो बस जो कल्याण हो गया उसको उधार हो गया भगवत नाम से। इसलिए श्रीमन महाप्रभु बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं। हम पहले सुन रहे थे ना भगवान कपिल देव कहते हैं पूर्व जन्म में जो चार काम कर चुके हैं इसी जीवन में तभी ये जिह्वा से नाम उच्चारण होगा। अब लोग बताओ तो किसको याद है चार काम में क्या क्या चार काम है? बोलो एक बोलो सब तीरथ जो पहले जन्म में कर चुका है और एक व्यक्ति होता सब पुण्य और बोला और क्या क्या कर चुके हैं पूर्व जन्म में जिसने चार काम करके आए हैं इसी जीवन में कहते हैं तभी उसकी जिह्वा नहीं पूर्ण जिह्वा नहीं जिह्वाग्रे तभी वो जिह्वा की अग्रदेश में प्रभु का नाम ले सकता है। पूरा जिह्वा में ले तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा दोनों आंखों से ठाकुर को देखते और भाग्यवान है दोनों कानों से कथा सुनते और भाग्यवान है। कहते पूर्व जन्म में जो चार काम करके आए हैं इसी जीवन में तभी वो जिह्वा की अग्र में प्रभु का नाम ले सकता है। एक काम हो गया क्या है इसलिए पहला नंबर बताए जिसने पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है कहते 6 अरब तीर्थ है जिसमें पूर्व जन्म में 6 अरब तीर्थ कर चुके हैं वो कह सकते। दूसरा काम क्या है पूर्व जन्म में जिसने याद रखनी चाहिए देखो कथा सुना और याद रखो ऐसे नहीं कथा यही सुनकर यही खत्म करके चले गए फिर दूसरा को क्या समझाओगे इसलिए एक नोटबुक लानी चाहिए नोटबुक में सारी हरी कथा को नोट करनी चाहिए ठीक है ना इसलिए फिर सुनाओगे फिर क्या इसलिए कहते दूसरा काम क्या है विष्णु का मंदिर बनाया वो अलग है। इसलिए दूसरा काम है जिसने पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं बड़े से बड़े तपस्या कर चुके हैं। तीसरा काम क्या है पूर्व जन्म में जितने बड़े से बड़े यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वाजपेय यज्ञ बड़े से बड़े जो यज्ञ हैं पूर्व जन्म में जिसने सारे यज्ञ करके आए हैं और पूर्व जन्म में जिसने सारे तपस्या करके आए हैं पूर्व जन्म में जिसने सारे दान बड़े बड़े दान स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल अन्न छत्र जिसने पूर्व जन्म में ये सारे काम करके आए हैं कि तब भी इसी जीवन में कोई भगवान के नाम को ऊंचा न कर सकते हैं। इसलिए हम लोग तो बड़े बड़े जगह पर जाते हैं अगर बोलते भैया भगवान का नाम लो फिर से देखते रहते मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। अगर बोले भैया किसका चुगली कर कोई पहले तैयारी पहले तैयारी अगर वहां पर कोई करता होगा ना पता चलेगा भाई वहां पर कुछ चल रहा है फिर वहां तीर्थ हाँ हमने भी सुना है। इसलिए यहाँ इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनको मुंह में भगवान के नाम उच्चारण होता है जो पूर्व जन्म में बड़े बड़े पुण्य कर्म करके आए बड़े बड़े। इसलिए नारद जब बोले वाल्मीकि को बोलो राम बोलो बोलो जोर से बोलो बोलो लेकिन उसको मुझसे राम ही नाम नहीं निकला क्यों पापी था ना वो राम ही नाम ही नहीं निकला बोले तू बोलता था मारो मारो बोले हाँ मारो मारा तो बोल सकता हूँ हाँ? इसलिए मरा 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 करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। इसलिए क्या करनी चाहिए भगवत नाम को जप करनी चाहिए भले ही एक दिन खाना भूल जाओ लेकिन माला मत भूला माला को अपना पास में रखो। कल कथा सुन रहे थे ना चाय को की कौन सा आदमी में गई बोलो कौन सा वो लास्ट में गई थी भगवान का नाम ही लास्ट में गई और जितने बहू जिस शरीर को इतने रोज बढ़िया बढ़िया साबुन से शैंपू से और बढ़िया बढ़िया धोए इसको बढ़िया बढ़िया ब्यूटी पार्लर में सजाए बस वही रह गई पैसा कभी दूसरे को साथ में शादी कर लूंगी दूसरों के पास में चली गई हैं और परिवार वाले पत्नी घर वाले तक गई परिवार वाले शमशान तक उसको आगे कोई गया नहीं जिसको जीवन में निगलेक्ट किया था ना वही साथ में जाने के लिए तैयारी ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो कर क्या करना सारे काम को पीछे रखो हाँ सारे काम को पीछे रखो बाद में हो सकता है कहता तुम भी नहीं करोगे अपने आप होगा। इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए सबसे पहले भगवान का भजन करो देख लो तुम्हारे पिता माता को देख लो सबसे पहले क्या करते सवेरे उठ कर पहले उठकर ठाकुर का आरती ठाकुर को स्नान करते थे ये करते थे ना गीता रामायण भजन हमारे जितने पूर्वजों को यही काम करते थे सबके सब।
लेकिन इसमें वेस्टर्न कल्चर आ करके ना सब धीरे 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 हमारी संस्कृति को सब बिगाड़ दिया सबके साथ। एक शंकर कह रहे थे सूरज कहाँ से उदय होता है, पूर्व दिशा में, अस्त होता है कहाँ पर, पश्चिम से, पूर्व दिशा में उदय और कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में। लेकिन पश्चिम का अगर सूर्य आकर पूर्व में आए फिर डूबेगा फिर क्या होगा, अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे जो भारतीय को पूर्वी दिशा बताया, हमारे भारत के पूर्वी इधर पश्चिम दिशा है, मतलब वहां के सूरज अगर यहाँ पर आए, मतलब वहां की कल्चर अगर यहाँ पर आए तो उनके कल्याण है, अगर यहाँ की सभ्यता अगर हमारे देश पर जाए तो कल्याण नहीं, कल्याण उसमें नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति, हाँ इसलिए गीता रामायण भागवत को हमें ठीक से पढ़नी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, 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 Krishna.
ज्ञानतिन्द्रियं दृश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिव्रजदेवी सत्यव्रतये नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीगौतमे गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग आज श्री प्रवीण प्रभु क्या ना रविंद्र प्रभु जी के घर में एक प्रसंग सुन रहे थे जिसका नाम था राय रामानंद संवाद। ये हमारी संप्रदाय में महाप्रभु की धारा में ये एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि हम कहते सब भक्त है, लेकिन सब तो भक्त है, लेकिन भक्त में भी तारतम्य है, भक्त में भी तारतम्य है, जिसको श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं बृहद भागवत अमृत में भक्त पांच तरह का है। कितने तरह का है? पहला नंबर है ज्ञानी भक्त है, उसके बाद में शुद्ध भक्त है, उसके बाद में प्रेमी भक्त है, उसके बाद में प्रेमातर और एक प्रेमा दूर है। पांच तरह का भक्त है। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते भक्त कितने तरह का है, भक्ति कितने तरह का है, कहते भक्त तो पांच तरह का है, और भक्ति कितने तरह का है, बोले पांच तरह का रस है। शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस और मधुर रस है। भगवान की जो भक्ति है पांच तरह के भक्त कहते जो मुख्य रस है, सात गौण रस पांच मुख्य रस में भगवान को ये मुख्य रस के द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है। इसलिए सवेरे हम लोगों ने ये चीज को थोड़ी हम लोगों ने श्रवण किया था, कैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर कौन दे रहे थे, श्री राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जो भगवत गीता क्या है वहां पर अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्णा उत्तर देते हैं, और यहाँ पर भगवान प्रश्न करते हैं और उत्तर भक्त दे रहे हैं। बोले राय रामानंद कौन है, इनके अंदर में अर्जुन का भी कुछ अंश है, इनके अंदर में ललिता सखी भी थोड़ी अंश है, इनके अंदर में ये विशाखा मुख्य रूप में विशाखा है, और ये एक अर्जुना सखी भी इनके अंदर में विद्यमान है। इसलिए पांच पांच इनके अंदर में करी कर ये राय रामानंद के अंदर में विद्यमान। और राय रामानंद थे कौन कहते उस समय ये उड़ीसा के गवर्नर थे, वो साधारण पोस्ट में नहीं थे, उड़ीसा के वो गवर्नर थे उस समय में है। इसलिए बड़े ठाड़वाड़ इनके अंदर में, बड़े ठाड़वाड़ बड़े उच्च पद में ये थे। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हम लोग सबर श्रवण कर रहे थे जब उनको साथ में गोदावरी नदी को किनारे में मिले है, गोदावरी नदी को किनारे में मिले तब दोनों बैठ करके आपस आपस में चर्चा कर रहे। हमने बहुत बहुत कथा सुनी इस विषय पर, वो कौन है, क्यों कथा सुनी, क्या कारण, हमने सवेरे
बहुत कथा सुने हैं, इसलिए हमने जहाँ पर खत्म किया था वहां तक सुनने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें जो प्रश्न किया था, कौए राय साध्य निर्णय, मतलब ये राय तुम ये बताओ जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है। उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने जो आरंभ किया था वर्णाश्रम धर्म से आरंभ किया था। भगवान ने ये वर्ण और आश्रम भगवान ने स्वयं सृष्टि की है, जीव को धीरे 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 भक्ति जगत में कैसे प्रवेश कर सके, क्योंकि जब तक तो कोई अपना वर्ण और आश्रम धर्म को जाजन नहीं करेगा वो आगे भक्ति में बढ़ नहीं सकता है। इसलिए स्वतंत्र जीवन उश्रृंखल जीवन कभी भगवत प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें विधि विधान पूर्वक अपना आश्रम में रहते हुए है, इसलिए अपना आश्रम में रहते हुए अपना अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय, वैश्य हो तो वैश्य, शूद्र हो तो शूद्र, और ब्रह्मचर्य हो तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ हो तो गृहस्थ, और वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ, सन्यासी हो तो सन्यासी है। ये वर्ण और आश्रम धर्म में हमें स्थित होकर के हमें भगवान की भक्ति आगे धीरे धीरे बढ़नी चाहिए है। इसलिए जो व्यक्ति ये वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाता है, ठाकुर खुश हो जाते हैं। वर्ण और आश्रम को रह करके सही सही रूप में जाजन करो। लेकिन महाप्रभु ने कहा हाँ तुमने जो बताया सही बताया, लेकिन इसको ऊपर में भी और कुछ है, इसको ऊपर की बात बताओ। तो उन्होंने कहा देखो कहते कर्म, उन्होंने बताए कर्मार्पण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कर्मार्पण भक्ति मतलब उन्होंने इसको बाह्य क्यों बताया, किस लिए बताया बाह्य है, because we are relating our ashram with a body and the main purpose of our life is Krishna Nitya Das, we are servants of Sri Krishna, so we always have to serve Krishna, that is our Nitya Swarup. But because we are relating our ashram and the ashram and varna to our body, it is external. इसलिए कहते हैं अगर कोई वर्ण और आश्रम धर्म जनन करेगा उसको कहाँ तक गति हो सकता है, अगर 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक आकर वर्ण आश्रम धर्म जाजन करे कहते वो व्यक्ति ब्रह्मा पद को प्राप्त कर सकता है, वही ब्रह्मा बनता है। लेकिन भैया कब तक भी ब्रह्मा बनेगा, बोले जब तक उसका पुण्य नष्ट नहीं हो जाता है, पुण्य खत्म होते फिर इसी जगत में आएगा, फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर में उसको भटकना पड़ेगा है। इसलिए महाप्रभु ने बोले ये जो तुमने बताया है लेकिन ये बाहर धर्म है, ये शरीर का धर्म है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, ये शरीर तो एक कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा जैसे पुराना हो जाए छोड़ करके हम नया कपड़ा धारण करते हैं, इसलिए तुमने ये शरीर संबंधी वस्तु बताया हाँ। लेकिन जीव का स्वरूप क्या है, भगवान की नित्यदास है, नित्यदास, इसलिए तुम इसको आगे की बात बताओ। तो उन्होंने बताया कर्मार्पण, जो कुछ करते हो इसको किसके लिए करो, भगवान के लिए करके भगवान को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो। इसलिए जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं जत करोसी जत स्नासी जत जोहसी ददासी जत जत तपस्य कौन्तेय तत पुरुषमतर्पण, कृष्ण गीता में भी कहते हैं अर्जुन तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ है ग्रहण करते हो उसको क्या करो, मेरे को तुम अर्पण करो। लेकिन महाप्रभु बोल के नहीं, ये भी बाहर का विषय है, ये भी अंदर का विषय नहीं, ये भी बाहर का विषय है। बोले क्यों, ये बाहर का विषय क्यों बताए प्रकाश प्रभु, आप बता क्यों, उन्होंने इसको बाह्य क्यों बोल दिया है, क्योंकि इसमें एक तरह का अभिमान रहता है कि मैंने ये कर्म किया और मैंने ठाकुर जी को अर्पण किया, इसलिए कहते इसमें दोष क्या है। महाप्रभु बोले ये बाहर है, बोले दोष क्या है, बोले दोष ये है पहले तुमने अपने आप को कर्ता मान लिया, करने वाला कौन, बोले मैंने किया, अरे मैंने ये काम को नहीं करता थोड़ी हो सकता था, मैंने किया तभी तो ये बात हुई ना, मेरे वजह से हो ही नहीं सकता है। इसमें अपना मैं और मेरा अभिमान इसके अंदर है, करने वाला मैं हूँ, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। बोले क्यों शुद्ध भक्ति नहीं, इसलिए शुद्ध भक्ति का विवेचना श्री प्रह्लाद महाराज कहते हैं इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण, जो शुद्ध भक्ति है पहले खुद को खुद गुरु जी के चरण में
खुद को खुद हम ठाकुर के चरण में समर्पित करते थे, ठाकुर जी आज से मैं तेरा हूँ, तुम मेरा और मैं तेरा हूँ, जब मैं तेरा हूँ अब से मैं जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा, खाऊंगा भी तेरे लिए, जीवित रहूंगा भी तेरे लिए, जो कुछ करूंगा तेरे लिए ही करूंगा, क्यों आज से मैं तेरा बन गया, समर्पित हो गया, इसलिए इसको भी शुद्ध भक्ति कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, स्वयं करने वाले हो गया मैं। कुछ लोग होते ना सब कुछ करेंगे, कभी बोले ठाकुर जी मैंने जो कुछ किया है, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, जो कुछ बनाया हम, जो कुछ किया ठाकुर जी इसका फल हम तेरे को देते थे। कुछ होते ना लोग कहते तुम तेरे को देते हैं, बोले नहीं ये हो गया, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये पहले तुम स्वयं कर्ता बन गए, कर्ता बन करके फिर वो चीज को तुम भगवान को दे रहे हो। नहीं, जो कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे, ठाकुर जी के लिए। क्यों, हम कौन है, हम ठाकुर जी का है, हम श्री गुरु जी का हम है, हम श्री ठाकुर जी के, हम श्री गुरु जी के हैं, इसलिए बोले यह बाह्य है। बोले इसके आगे कुछ बताओ, जब आगे बताए तो उन्होंने बताए, उसको आगे बताते हैं ये कर्म को त्याग करो, उसको आगे बताते हैं ये सबके सब त्याग करते हुए है, ये तो कर्म अर्पण किया, उसके बाद में कर्म को त्याग जो दे करके, जो त्याग देता है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़ करके क्या करो, अभी मेरे मेरे शरण में तू आ जा, अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना, जो छोड़ दोगे उसका सारे पाप कर्म को मैं ग्रहण कर लूंगा, सर्व पाप कर्म मुक्तोऽस्यामी, तेरे को सारे पाप से मैं मुक्ति दिला दूंगा। लेकिन महाप्रभु बोले ये भी बाहर का विषय है, अभी तुम सही लाइन पर अभी तुम नहीं आए हो। यहाँ पर बोले कमी क्या किस चीज की, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी तक तुमने ये सारे धर्मों को त्याग नहीं किया है, ये जितने वर्ण आश्रम और ये दुनिया की जितने धर्म हैं, अभी तक तुमने ये सब चीज को त्याग नहीं किया है, हैं? अभी तुमने कंप्लीट रूप में भगवान के शरण में तुमने अभी नहीं आए हो, हैं? इसलिए जीव का स्वरूप क्या है, भगवत शरणागत होकर के सब कुछ प्रभु की शरण में कर, इसलिए उनको भी उन्होंने त्याग दे दिया। जब यह बाह्य आगे कहो, और फिर उन्होंने बताए जो ज्ञान मिश्रा जो भक्ति है इस साध्य सार है, ज्ञान मिश्रा भक्ति ये साध्य सार है। महाप्रभु बोले ये भी बाह्य है, ये भी बाहर का, बोले इसको बाहर क्यों बताए, बोले यहाँ पर ज्ञान तीन तरह का ज्ञान होता है, एक तत् पदार्थ, एक तम पदार्थ और एक जीव ब्रह्म का ज्ञान। देखो ये चीज को समझो, ये जो टॉपिक है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर इसको थोड़ी सी अच्छी तरह से समझेंगे तो आप एक बहुत बड़ी चीज को समझ सकते हो, एक अच्छी चीज को आप समझ पाओगे, इसलिए कोशिश करो ये चीज को समझने के लिए। इसलिए ज्ञान तीन तरह का, एक है भगवत संबंधी ज्ञान है तत् पदार्थ, और एक तम पदार्थ मतलब जीव है, जीव ज्ञान, और एक होता है जीव ब्रह्म ऐक ज्ञान है, ऐक ज्ञान है। इसलिए ये जो ज्ञान है, जो तम तत् पदार्थ ज्ञान है, भगवत और जीव संबंध ज्ञान है, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं। लेकिन जो तीसरा जो ज्ञान है, जो जीव क्या चाहते हैं, बोले भैया हमने संसार में आकर के ये बड़े दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, है? दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, इसलिए क्या करो, ये आत्मा को परमात्मा में, ब्रह्म में, ये आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दो, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। संसार में जन्म लेंगे तभी तो ये दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा ना, इसलिए क्या करो, अपना आत्मा को परमात्मा में पूरा लीन कर दो। लीन कर दोगे तो क्या होगा, बस ब्रह्म में लीन हो जाओगे, फिर जन्म नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगा, फिर तो दुख कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, ये एक ज्ञान है। लेकिन जो भक्त लोग ये चीज को नहीं चाहते हैं, बोले क्यों नहीं चाहते हैं, कारण क्या, बोले कारण है जो जीव का जो स्वरूप है, हम भगवान के सेवक है, हम भगवान की दास है, दास होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या, बोले भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवकाई करना, उनकी भक्ति करना, यह हमारी कर्तव्य है। लेकिन वो इसमें जीव क्या चाहता है, नहीं भगवान की सेवा करवा हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं, हम तो बस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे,
इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले हे गीता कृष्ण गीता तेषाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्तम ही गतिर दुख, बोले हे अर्जुन जो लोग मेरे को निराकार निर्विशेष मान करके मेरी ज्योति को इसमें लीन कर देना चाहते हैं, उसका जो गति है ना सुखमय गति नहीं वो दुखमय गति है, उसका जो गति है दुखमय उसको शांति नहीं मिलती है। जैसे कि व्यक्ति शराब पी करके बेहोश होकर पड़े हुए पड़ा हुआ हो उनका गति ठीक ऐसे ही है, और बड़ी कठोर साधन करके हाँ वो भी बड़े कठोर साधन करते हैं, लेकिन कृष्णा भागवत में कहते हैं देवता लोग तत्व पतंती अध अनादृत जिसमद अंग है, कहते उनको वहां से पतन होता है, क्यों भगवान की सेवा को भगवान की भक्ति को उन्होंने छोड़ करके अनादर उन्होंने किया है, बड़ी उच्च पद प्राप्त करने पर भी उनको वहां से गिरना पड़ता है, क्यों भगवान की भक्ति को उन्होंने अनादर किया, चरण को उन्होंने अनादर किया, इसलिए भगवान कहते हैं दीयमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना। अगर मैं बोलता हूँ भक्तों भैया मुक्ति ले लो, क्या ले लो मुक्ति ले लो, भक्त कहते प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बोले देने पर भी वो मुक्ति नहीं चाहते, कहते हम तो आपको सेवा चाहते हैं, आपको भक्ति चाहते हैं, आपको सेवा चाहते हैं, हैं? इसलिए भक्त लोग मुक्ति लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए भागवत में बताया भक्ति स्थिर तरा भगवान जदि स्यात् दैवेन दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सेवत अस्मान धर्म अर्थ काम स्मय प्रतिज्ञा। अगर किसकी अंदर में प्रभु के प्रति प्रेम आ गया, भक्ति आ गई, तो जो धर्म अर्थ काम ये तीन वर्ग हैं उनकी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, और मुक्ति तो घर की दरवाजा को बाहर खड़ी होकर के हाथ जोड़ कर खड़ी रहती है, भक्त कृपा करके हमें कब थोड़ी सी अपना सेवा में ठाकुर को सेवा में लगाए, स्वयं मुक्ति हाथ जोड़ कर रहती है, इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए। देखो मुक्ति दो तरह का भी है, कहते जो हम लोग जो मुक्ति की बात कहते हैं ना ये मुक्ति का मतलब है ठाकुर की चरण की सेवा है, ये ठाकुर को सेवा को ही हम मुक्ति मानते हैं, हैं? लेकिन जो ज्ञानी लोग जिसको मुक्ति कहते हैं वो कहते ब्रह्म ज्योति में अपना ज्योति को उसमें मिला ले, इसलिए अहम ब्रह्मासि मैं वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म है, हैं? इसलिए इसमें भक्ति के लिए वो हानि है, इसमें भक्ति की भक्ति इसमें बढ़ती नहीं, इसलिए भक्ति के लिए वो हानि है, इसलिए यहाँ पर बताए हाँ इसलिए यहाँ पर बताए जो जो ज्ञान मिश्रा जो भक्ति है कहते उसको छोड़ करके क्या करनी चाहिए, महाप्रभु उसको सुन करके महाप्रभु बोले यह बाह्य, मतलब ये बाहर का विषय है, उसको आगे की बात करो, जब उन्होंने आगे की बात करने के लिए बोले तो उन्होंने हाँ प्रभु बोले आगे कहो आर, और राय कहे ज्ञान सुन्या भक्ति साथ साथ, राय रामानंद कहते हैं ये ज्ञान को छोड़ करके हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, तो इसके लिए उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है, बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुख रीतं भवदीह वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोवी जे प्रायस अजीत जीतापि त्रैलोक्यान्। यदि यहाँ पर बताए भगवान का एक नाम है अजीत, अजीत मतलब क्या है, बोले जिनको जीतना बा जिनको पाना बड़ा कठिन है, जिनको पाना बहुत बहुत कठिन है, इसलिए कहते हैं यद्यपि समाधि सुधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, हैं ये भजन में कहते ना कृष्ण देव बंतम बंदे कृष्ण देव बंतम बंदे कृष्ण देव Thank you.
कैसे है? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यामे। बोले जिनके चरण को ब्रह्मा शंकर नारद बड़े बड़े योगी ऋषि कहते ब्रह्मा भी अपना ध्यान के बल में जिनकी चरण की नर की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का एक नाम है अजीत, मतलब जिनको जितना बड़ा ही कठिन है। अभी प्रश्न है फिर तो भगवान मिलेंगे नहीं, जब भगवान अजीत है जितना बड़ा कठिन फिर तो भगवान मिलेंगे नहीं। ब्रह्मा जी ऐसे नहीं, वो मिलते हैं। बोले किसको मिलते हैं? तो उसका उपाय इस श्लोक में इसकी उपाय को बताते हैं। बोले ज्ञान प्रयास मधुपास्य। बोले जो ज्ञान की जो प्रयास है इसमें दो तरह का ज्ञान बताए। एक तो ब्रह्म ज्ञान को जो व्यक्ति चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते वो ज्ञान को त्याग देनी चाहिए है? और साधारण ज्ञान भी त्याग देनी चाहिए। कभी कभी कोई सोचते हैं ना अरे हम कम लिखे पड़े हैं, हमने PhD किया है, MA किया है, डबल MA किया है, हम नहीं जान सकते भगवान को। ब्रह्मा जी कहते भैया तुम कौन हो? बोले तुम तो जीव हो, मैं तो दुनिया को सृष्टि करने वाला, और तुम्हारा तो एक सर है और मेरे कितना है 4 सर है, ये दुनिया को सृष्टि करता हूँ मैं। लेकिन मैं भी भगवान को परीक्षा करने के लिए गया, मैं भी भगवान को समझ नहीं पाया ठाकुर जी को, हाँ मैं भी समझ नहीं पाया है। इसलिए ब्रह्मा कहते मैं भी नहीं समझ पाया भगवान को। इसलिए जितने तुम्हारे अंदर में अभिमान है ज्ञान के अभिमान, पहले इसको छोड़ो, ये चीज को पहले छोड़ो। सबसे क्या समझो, हम तो भगवान की दास पे दासों के हम दास हैं, इसलिए उनके चरण में शरणागत होनी चाहिए। बोले ज्ञान प्रयास मुद्दुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता। कहते ये जीवन को कैसे बितानी चाहिए? बोले ये जीवन को भक्तों की शरण में रहते हुए उनकी मुखार बिंद से भगवान की कथा मृत रूपी जो मंदाकिनी नदी रहती है उसमें स्नान करते रहो, हर समय भगवान की कथा में गोता लगाते रहो। कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिनु सुलभ नाश हुई। इसलिए भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाते समय रहो। बोले कैसे? बोले स्थाने स्थिता। बोले स्थाने स्थिता मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति को बोले ना भैया भगवान की भक्ति करो भजन करो, बोले अरे अभी बहुत सारे काम आ रही है, अभी तो नौकरी करना, फिर बच्चों को फिर लिखा पढ़ा सिखाना, फिर उनको शादी शुदा करके ना जब पूरा रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा तो भजन माला कर ही लेंगे, अभी से करने का क्या जरूरत है? अभी से करने का कोई, हम जल्दी जल्दी थोड़ी मर रहे, इतना जल्दी भगवान की भजन इतने जल्दी थोड़ी करेगी। इसलिए लेकिन ब्रह्मा कहते नहीं, भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे है ये समझो जीवन का ये सबसे बढ़िया अवस्था। अभी हम जिस स्थिति में हैं समझो ये जीवन का सबसे बढ़िया स्थिति अभी रखे जो ठाकुर जी जैसे रखनी चाहिए ठाकुर जी अभी हमें उसी अवस्था में रखे, ये चीज वो समझो। आगे अगर बढ़िया स्थिति तभी आएगी जब भगवान की भक्ति करोगे, बगैर भगवान की कृपा के बगैर बढ़िया स्थिति भले ही लाख परिश्रम कर लो। इसलिए हमारे हिंदी में एक भजन गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब तुम भगवान की तरफ में एक कदम बढ़ाओगे ना ठाकुर जी तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ाएंगे। अगर तुम एक ही कदम नहीं बढ़ाओगे भगवान तो वैसे ही टेढ़े हैं, हम टेढ़े टांग वाले हैं। अगर आप सीधा बनोगे तो तुम्हारे लिए सीधा बन जाएंगे, अगर तुम टेढ़ा बनोगे ना तुम्हारे लिए टेढ़े बन जाएंगे ठाकुर जी। इसलिए पहले उनके तरफ में देखो, हाँ देखो हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना उनकी कथा सुनो। हमारे जो बड़े गुरु जी थे ये बड़े सत्संगी थे, पुलिस अफिसर थे, बड़े सत्संग, कहीं अगर पता चलता था बिहार के बक्सर के थे, कहीं पता चलता था कहीं सत्संग हो रही है गुरु जी जरूर वहां पहुंचते थे। एक समय इनका कहीं ड्यूटी था लेकिन कोई संत कथा करने के लिए आए, जो पता चला तो उन्होंने बोले थोड़ी कोई आते देखने के लिए, मैं कहां गया नहीं गया, उन्हें चले गए सत्संग में चले गए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, उनको ऊपर जो बड़ा पुलिस अफिसर था वो चेकिंग करने के लिए आया, ये लोग सही सही काम करते ही नहीं, वो चेकिंग करने के लिए आया, ये गुरुदेव खुद कथा सुनाए थे। इसलिए चेकिंग करने के लिए आए, जब आए वो दूर से चेकिंग करते हैं, जब उन्होंने दूर से चेकिंग कर रहे थे लेकिन गुरुदेव तो थे नहीं, वो कहाँ गए थे, वो तो सत्संग में प्रभु की कथा सुनने के लिए गए थे।
हैं, कथा सुनने के लिए गए थे। जब कथा सुनने के लिए जाते हैं, देखो कृष्ण खुद कहते हैं, बोले अनन्य चिंतन तमाम जिजना परिजुपासते तेसाम नित्याभिजुक्ता नाम जुगाख्यम बाहम्यम। कृष्ण गीता में इतने बड़े प्रतिज्ञा किए हैं भगवान, जो अनन्य रूप में मेरे भजन करते हैं उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले दो काम क्या करते हैं? बोले घर में जो चीज नहीं है मैं सर पर रख कर घर में पहुंचाता हूँ, घर में जो चीज है मैं स्वयं एक चौकीदार बनकर उसको मैं रखवाल करता हूँ। इतने बड़े प्रतिज्ञा कृष्ण गीता में दी है, इतने बड़ी प्रतिज्ञा ठाकुर दी। इसलिए अभी तो गुरुदेव गई कथा में, वो तो आया बड़ा पुलिस ऑफिसर चेकिंग करने के लिए, कृष्ण स्वयं गुरु जी का रूप धारण किए और वो बड़ा ऑफिसर दूर से चेकिंग कर रहा था कि क्या कर रहा है। देखो बड़ी अच्छी तरह से बड़े सिंसियर रूप में वो ड्यूटी दे रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर कर रहा है, इधर बहुत सिंसियर रूप में। बड़ा पुलिस ऑफिसर ने सोचा भैया ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, कोई है नहीं लेकिन ड्यूट तो बहुत बढ़िया दे रहा है, इसका पोस्ट और थोड़ा ऊंचा कर देनी चाहिए, हाँ इसको पोस्ट करा ऊंचा कर देनी चाहिए, अच्छा आदमी है। ये सोच करके बड़ा ऑफिसर चला गया। लेकिन गुरु जी जब सत्संग से आए, लेकिन उनको पता चला बड़ा पुलिस ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया था, वो तो डर गए, मैं तो था नहीं, मैं तो गया था सत्संग में कथा सुनने के लिए गया था, वो तो बड़े डर गए। गुरुदेव जब दूसरे दिन गए ना, बड़े डरते हुए गए, लगता है मेरी नौकरी से चली जाएगी, है नौकरी से चली जाएगी। लेकिन गुरुदेव जब वहां पर पहुंचे ना, वो बड़ा पुलिस ऑफिसर कहता है, बोले तिवारी जी, वो तिवारी थे मतलब ब्राह्मण है, वो बक्सर के थे, तिवारी जी मैंने देखा तुम बड़े अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहा था, मैं सोच रहा हूँ तेरे पोस्ट को और थोड़ा ऊंचा पोस्ट दे देता हूँ तुमको, तुमको थोड़ा और थोड़ा आसानी रहेगा। मैंने भैया गुरुदेव तो अब के वक्त चक्कर रह गए, बोले ये क्या, मैं तो कल ड्यूटी में था ही नहीं, ये क्या करे, बोले अच्छे तरह से मैं ड्यूटी दे रहा था, वो सत्संग करते थे ना, उनको पता चला हो आज मैंने कथा सुनने के लिए गया था भगवान की, आज भगवान स्वयं मेरे रूप धारण करते हुए ठाकुर जी स्वयं ये ड्यूटी ठाकुर ने किया है, ठाकुर ने स्वयं ड्यूटी किया है। इसलिए जब हम भगवान की तरफ में एक कदम चलेंगे ना, ठाकुर जी 10 कदम हमारी तरफ में चलेंगे। लेकिन अगर एक कदम बढ़ाकर अगर चलेंगे नहीं, फिर ठाकुर हमारे लिए क्यों करेंगे, ठाकुर जी हमारे लिए क्यों करेंगे? फिर बोलो भैया तुम कर लोगे ना, कर ले, देख ले जितना जितना एड़ी चोटी एड़ी लगा लो, जितना ताकत लगा दो तुम कर लो। इसलिए यहाँ पर कहते स्थानीय स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब होता है भगवान हमें अभी जिस स्थिति पर रखे हैं उसी स्थिति में रह करके प्रभु का भजन करो। हाँ देखो, और प्रह्लाद महाराज एक अच्छी बात समझा रहे हैं, आप लोग ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, ये भजन किया चीज प्रह्लाद महाराज सिखा देते हैं, प्रह्लाद महाराज बच्चों को सिखा दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे तुम्हारी काम बनेगा ना, और कोई उपाय नहीं जिसमें तुम्हारी काम बन सकता है, है? एक उदाहरण देखो समझाए, जैसे देखो अच्छे तरह समझो, जैसे यहाँ पर एक फोड़ा हो गया हमारे, अगर हमने ये फोड़े के ऊपर में मलम पट्टी लगा दिया, हाँ कुछ मलम लगा दिया, फिर क्या होगा देखना, दूसरे जगह पर फिर फोड़ा होगा, वहां पर भी मलम लगा दिया, फिर देखना तीसरा जगह पर फोड़ा होगा, उसके ऊपर मलम पट्टी लगा, फिर चौथा जगह पर फिर फोड़ा होगी। बोले क्यों, क्यों ये फोड़ा हो रहा है, ये चीज को देखो, कारण है तुम्हारी जो ब्लड है ना वो खराब हो गया है, ये ब्लड की वजह से ये फोड़ा तुम्हारी हो रही है। अगर ब्लड को अगर क्योर कर दोगे फिर तो फोड़ा अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन अगर एक मलम पट्टी करते रहोगे ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हम भी यही कर रहे, सामने कोई दुख आया, हमने कोशिश किया अगर किसी तरह से ये दुख अगर हल हो जाए ना, चैन आए, अब देखना एक दुख तो हल हुई नहीं, सामने दो दुख, दो परेशानी, फिर सोचते हैं भैया ये परेशानी को अगर सही करके ना फिर सही हो जाएगा, देखना वो परेशानी तो गई नहीं, तीसरी परेशानी, परेशानी परेशानी दल 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 फंस जाते हैं, लेकिन ये परेशानी क्यों आ रही है ये चीज हम नहीं देखते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया परेशानी का मूल कारण है, हम भगवान की नित्य सेवक है, भगवान की संतान है, हम भगवान की संजीव है, उनकी भजन को छोड़ने का वजह से, भक्ति छोड़ने का वजह से ये माया ये हमें कारागार में दुख कष्ट दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी भक्ति की तरफ में हम लग जाएंगे, भजन का तरफ में, दुख अपने आप तो चल जाएगी। आप बताओ हनुमान दिन भर क्या करते हैं, बताओ आप बताओ हनुमान क्या करते हैं,
रघुपति राघव राजा राम पति पावन। एक दिन भर कर रहे ना राम की सेवा तो कर रहे ना, लेकिन अपना दुख तो गया, दुनिया का दुख दूर कर रहे, वो सारे दुनिया के दुख दूर कर रहे। क्यों? अपना दुख गया भगवान भक्ति से, वो सारे दुनिया के दुख दूर कर रहे। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते देखो स्थानीय स्थितम, भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे हैं उसी अवस्था को ही प्रभु का सबसे बड़ी दया समझो। समझते हुए क्या करो? भगवान की भक्ति करते रहो। हाँ कहते ना, जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमन कहो। ठाकुर जी जिस अवस्था में रखे वहीं से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। ठीक है, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे राम। देखो हम लोग और एक बात बोलते हैं, ठाकुर जो कुछ करते अच्छे के लिए बोलते ना, एक बात बोलते ना, भगवान हमारे पिता माता ठाकुर जी है, तो मेरे माता च पिता भगवान, और जो कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, कभी बुरे के लिए ठाकुर, बच्चे के लिए भगवान, पिता माता भी बुरा कर सकता है, कभी नहीं कर सकते, जो कुछ करते हैं हमारी अच्छे के लिए करते हैं, ये चीज को हमें सोचनी चाहिए। देखो एक स्टोरी सुन लो, एक समय एक राजा एक मंत्री ये दोनों शिकार खेलने गए, तो इतने में शिकार खेलते खेलते राजा का एक अंगुल कट गया। बोले महामंत्री नदी का अंगुल कट गया, लेकिन मंत्री बड़ा भक्त था, हर बात बात में बोलता था देखो ठाकुर मंगलमय है, भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, और जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जो मंत्री ने ये बात हुआ था राजा को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया और तू कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर मंत्री यही बताया, बोले देखो वो तो मंगल भवन अमंगल हारी है, वो किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते, जो कुछ करते हैं जरूर उसमें कुछ अच्छा होता है, जरूर कुछ अच्छा होगा। बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए? बोले जरूर करते हैं। बोले अभी तेरा अच्छा करता हूँ। बोले क्या किया? उसको धक्का मार करके ना, बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए? बोले हाँ, एक सूखा कुआ था अंधकार, उसको धक्का मार के गिरा दिया। बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए ना, इसमें पड़े रहो, देखता हूँ तेरा अच्छा क्या नीचे करते हैं। वो वापस आ रहा था, आते आते वो जंगल में कोई डाकू का सरदार रहता था, उसने माँ देवी की पूजा करता था, वो मनोती रखा था, बोले माँ अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा तेरे सामने एक नर बलि दूंगा। अभी उसको घर में किसी बेटा का जन्म हो गया, वो डाकू सरदार ने अपना जो चेले चापाटी थे, बोले जंगल में जो कोई इंसान मिले पकड़ करके ले आओ, क्योंकि माँ को पास में मैंने कहा था बलिदान करने के लिए। और ढूंढते ढूंढते मिला राजा, बड़ी लंबी चौड़ी सुंदर, बोले वाह भैया तो बड़ी खुश हो जाएगी ये बलि खा करके। राजा सोचे हे भगवान किसकी पल्ले में हमने पड़ लिया है। अब उसको लेकर के स्नान करके कपड़ा पहनाया और लकड़ी में इसको सर को फंसाया, तलवार उठाया उसको मारने के लिए, राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, लेकिन एक नियम है देवी को सामने वही चीज बलि चढ़ सकती है जिसका शरीर अंग भंग नहीं हो, पूरा शरीर होनी चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। इतने में वो तो उठाया था खड़ग काटने के लिए, देखा उसका अंगुल कटा हुआ खून टपक रहा था, उठाया था उसने तलवार को नीचे कर दिया, बोले नहीं ये देवी की सेवा में सेवा की योग्य नहीं की, उसका अंगुल कटा हुआ है इसलिए बोले ये देवी की सेवा में नहीं लग सकता है, उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया ना, राजा का मंत्री की बात याद आया, अरे मंत्री तो सही बोल रहा था, ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए, अगर मेरे अंगुल कटा नहीं होता तो मैं तो पूरा ही पूरा मैया के सामने बलि चढ़ जाता। उसने वहां से वापस आया, वापस आ करके मंत्री को जो कुएं में फेंक रखा था ना उसको पकड़ करके फिर निकाला, निकाल करके उन्हें सारी बात को बताया। बोले महामंत्री तुमने जो बात बताया था सही बताया था, लेकिन मंत्री मेरे मन में एक शंका भी है। बोले क्या शंका है? बोले भगवान तो मेरे लिए जो अच्छा है किया, अंगुल कट गया था बच गया,
लेकिन तेरा क्या कल्याण हुआ तब से अभी तक ये अंधकार कुएं में तुमने पड़ा रहा? अभी तुमने दुख उठाया, तेरा क्या मंगल हुआ? बोले महाराज आपका मंगल नहीं, मंगल तो मेरा ही हुआ। बोले क्यों? बोले अगर आप मेरे को ये कुएं में नहीं फिर हम तो नहीं जाते ना, तुम्हारा अंगुल तो कटा हुआ तेरे को तो छोड़ देते, अब मैं पूरा के पूरा मैया के सामने बलि चढ़ जाता। देखो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी ये बात को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया भगवान जिस अवस्था में तुमको रखे है ना, समझो जीवन का ये सबसे बढ़िया अवस्था। ये मान करके क्या करो, आगे और बढ़िया स्थिति तभी आएगी जब भगवान की भक्ति करोगे। भक्ति के बगैर कभी बढ़िया स्थिति आ ही नहीं सकती है। इसलिए क्या करो, स्थाने स्थिता। दूसरा अर्थ बताए, स्थाने स्थिता का मतलब है जहां पर संतों लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, जहां पर उनके मुखार बिंद से नित्य निरंतर भगवत कथा रूपी गंगा की मंदाकिनी नदी बहती है, वहीं पर रहो। भगवत कथा रूपी गंगा में अगर गोता लगाओगे ना, कहते सारे तीर्थ में, समझो सारे तीर्थ में नहा रहे हो, वहीं पर गंगा, वहीं पर जमुना, वहीं पर सरस्वती, वहीं नर्मदे, वहीं गोदावरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहीं है जहां पर भगवत कथा रूपी गंगा बह रही है। इसलिए उसी में ही गोता लगाते रहो। स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तन्वांग मनोवी, काय मन और वाक्य ये तीनों के द्वारा तुमने कथा सुना। देख कथा सुनेंगे और क्या, जो जीवत सब मुक्ति पद जाएगा। देख और एक चीज बता रहे, ये चीज को ध्यान देकर सुनो। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे पिताजी की अथाह संपत्ति है, लेकिन ये पिताजी की संपत्ति में बच्चे को कब वो संपत्ति मिलेगा? जब पिताजी की सेवा करेगा, पिताजी के पास में रहेगा, तभी तो मिलेगा ना। अगर पिताजी को छोड़कर अगर भाग दिया फिर वो संपत्ति उसको मिल सकती है? मिलेगी नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया भगवान की भक्ति करते रहो, भजन मत छोड़ना। भले दुनिया तुम्हारी छूट जाए, एक दिन दुनिया छूटेगा, तुम नहीं छूटने पर भी तुमसे ही दुनिया छूटेगी एक दिन, लेकिन भगवान के भजन कभी मत छोड़ना, कभी भगवत भजन नहीं छोड़ना भक्ति। इसलिए चिरकाल भगवान की भक्ति में टिके रहो। क्यों? भगवान कौन है? कल हम कथा सुना रहे थे ना, हम लोग कौन है? अमृतस्य पुत्रा, हम साधारण के बच्चे नहीं, हम भगवान के औलाद है, हम भगवान की संतान है, हमारे पिता भगवान कृष्ण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम उनकी संतान, वो अथा संपत्ति के मालिक, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन उनकी संपत्ति तुम्हें मिलेगा कब? जब भक्ति करोगे तब तो मिलेगा। अगर तुमने भक्ति छोड़ दिया, भजन तुमने छोड़ दिया, फिर संपत्ति मिलेगा कहां से तुमको? इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मा जी भैया कभी प्रभु का भक्ति मत छोड़ो, चिरकाल भक्ति जगत में स्थित रहो, तभी पिताजी की सारी संपत्ति का मालिक तुम एक दिन बन सकते हो। ठीक है ना? जैसे ध्रुव जी का नाम, ध्रुव का नाम सुने कि नहीं? ध्रुव का नाम सुने हो? देखो अभी भी ध्रुव तारा को कब आए थे? सत्ययुग में आए थे ना, सत्ययुग में आए थे ना ध्रुव जी। लेकिन अभी भी हम ध्रुव तारा को स्मरण करते हैं। ध्रुव जी को कितना साल, सत्ययुग कब, कितने लाख साल बीत गया, अभी भी उनका नाम अमर है, हनुमान का नाम अमर है, हैं? इसलिए लेकिन अभी का जो यंग स्टार है ना, लड़का लड़की, वो सबका बड़ी इच्छा, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, इनको बड़ी इच्छा हमने हीरो हीरोइन। अरे भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, श्रीदेवी का नाम सुने होंगे, जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया में कोई पूजा कर रहा है? अभी कोई पूजा कर रहा है? 10-20 साल पहले कोई थे? कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है उनको। इसलिए ये बड़े से बड़े पद, जैसे अभी मोदी है, भारत का प्राइम मिनिस्टर था, अगर बाय चांस उसको मिल गया अभी मोदी है, जोगी जोगी, अगर नहीं मिलता तो मनमोहन, पहले बोलता मनमोहन, अभी कोई नाम लेता है नहीं, कहते कहते अगर हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बनकर एक बार हीरो बन जाओ, एक बार अगर भगवान की भक्त बनकर के हीरो बन गए ना, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। इतना नहीं, फिर जब सृष्टि प्रारंभ होगी फिर गीता भागवत फिर आएगा, फिर तुम्हारी नाम होगी। जब उन्होंने ये बात बताई, भगवान जो अजीत कभी जीत लेते हैं, महाप्रभु इसको सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। यहीं से अभी तक बोल रहे थे एह बाह्य, बल्कि ये बाहर है, लेकिन जब ये बात को बताया ना, उन्होंने बोले एह हाय, मतलब अभी लाइन पर आए, हाँ अभी तुमने लाइन पर आए हो, एह हाय आगे कहा, अभी तुमने लाइन पर आए हो, इसकी आगे की बात बताओ। अभी प्रश्न है
फिर उन्होंने क्यों बोले यह हाय, मतलब ये ठीक सही रास्ता तो है। इसमें दो तीन कारण बताए। पहला कारण है, भगवान को पाना चाहते हो, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, कर्म से भगवान नहीं मिलते हैं। मिलते हैं कैसे? भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के ही भूखे ठाकुर जी, प्रेम को द्वारा ठाकुर जी मिलते हैं। इसमें प्रेम का इंगित आया है। दूसरा क्या आया है? साधु संगम। उसमें क्या आया? साधु संग की महिमा है। क्या करो? स्थानीय स्थितम, जहां भक्त लोग है उनकी शरण में रहते हुए भगवान की भजन करो। है इसलिए यहाँ पर सत्संग की महिमा आई। इसलिए कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश हुई। यहाँ पर सत्संग की महिमा आया है, क्योंकि सत्संग के बगैर जीव को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जब हनुमान जी से जब श्री विभीषण का साक्षात्कार हुआ, है विभीषण का साक्षात्कार हुआ, जब विभीषण ने हनुमान ने देखा, अरे लंका को बीच में तुलसी पौधा, कैसे तुलसी पौधा तो किसी भक्तों घर में होता है। फिर देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, बोले हाँ मेरे प्रभु का नाम यहाँ पर कैसे आ गया। हाँ श्री, फिर देखा शंकर चक्र गदा पद्म चिन्ह, बोले भैया ये तो सारे मेरे भक्त का ही, सारे मेरे प्रभु का ही चिन्ह है। फिर विभीषण ने सोचा हो ना हो मेरे को तो कोई भ्रमित नहीं कर रहे। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ क्या शिक्षा देते हैं, ये तो बहुत बढ़िया पर उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। किसने जाकर के रावण से चुगली कर दिया, बोले रावण तू तो राम को शत्रु मानते हो, बोले हाँ, बोले तेरे घर में तो सबसे बड़ा शत्रु तेरे घर में बैठा है, बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया, बोले कौन, बोले विभीषण, बोले पता कैसे चला, बोले जाकर उस घर को सामने देख ले क्या लिखा हुआ। सचमुच से रावण भागते भागते आया, देखा लिखा हुआ श्री राम, बोले विभीषण, विभीषण आया, बोले क्या बात है, बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया यहाँ पर, बोले कहाँ पर, बोले ये क्या लिखा हुआ श्री राम, ये भगवान मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख लिया, बोले आपका शत्रु कैसे दिख रहा है, मैं तो अपना भाभी भैया को ज्यादा प्रेम करता हूँ ना, उनका नाम लिखा, बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोले रा, बोले भाभी का नाम क्या, बोले मंदोदरी, बोले मंदोदरी का पहला अक्षर क्या, बोले माँ, फिर क्या हो गया श्री रावण और मंदोदरी, खुश हो गया, बड़ा बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ देखो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा लेते हैं। पहला नंबर तो ये है, कभी भी अपना घर का नाम अपना नाम पर मत रखो। कभी कभी हम अपना नाम पर ना, हाँ अपना नहीं तो बीवी का नाम पर घर का नाम रखते नहीं, ये तुम ये घर का मालिक तुम नहीं हो। कब तक है? जब तक वो परमात्मा में बैठे हुए चले जाए, एक घंटा भी तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देंगे, निकालेंगे यहाँ से घर से। इसलिए घर का मालिक हम नहीं। इसलिए घर का नाम किसका नाम पर रखो? ठाकुर का नाम। किसने दिया है? ठाकुर ने दिया है, भगवान ने दिया है। जितना बार वो नाम को पढ़ोगे कम से कम भगवान की याद आएगा, ठाकुर जी की याद आएगा। अगर दुनिया के नाम पर रखो दुनिया याद आएगा, और जिसका नाम हमारा भारत वर्ष था वो अगले जीवन में है भरत महाराज ने हिरण बन कर गए, बोले क्यों, अंतिम समय में उन्होंने हिरण को याद किया था इसलिए हिरण बने। अगर भगवान की याद करते करते जाएंगे तो फिर भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए पहला नंबर नाम किसका रखो? ठाकुर जी की नाम रखो। दूसरा शिक्षा देते हैं कि जो भक्ति है ना, ये चीज को बड़े सावधानी से छुपा कर करनी चाहिए। आप देखो बेटा शराब पी रहे, बोले वेरी गुड शराब पी रहा है, सिगरेट के फूंके, बोले बढ़िया अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन माला कर दे, ये क्या कर रहे हो, ये कोई उम्र है तेरा भजन कर देगा, ये अभी से ही सब माला तिलक कंठी सब किया है, लेकिन शराब पीने का उम्र हो गया, सिगरेट फूंकने का उम्र, ये कली युग है ना। इसलिए अच्छा काम में बड़े बाधा है, अच्छा काम में, गंदे काम में आपको कोई बाधा देने वाले नहीं, लेकिन अच्छे काम करो ना, तरफ दुनिया मीरा ने जो भजन की सारा दुनिया सांस नाना दपति देवर जेठ सबके सब उसको पीछे पड़ गए, सबके सब उसको पीछे पड़ गए। इसलिए यहाँ पर विभीषण शिक्षा देता है, भैया जो भक्ति है ना, अगर कोई विरोधी है उसको छुपा करके कर लो, उसको छुपा करके भगवान की भक्ति कर लो। फिर जब हनुमान जी सोचा ऐसे नहीं, मेरे को तो कोई भ्रमित नहीं कर रहे, फिर सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया, देखा विभीषण की रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, बोले भैया ये तो पक्का भगवान की भक्त है, क्योंकि कपटी व्यक्ति का रोम रोम से कभी प्रभु का नाम नहीं निकलता है, भक्त का रोम रोम से ही प्रभु की नाम निकलता है। समझ गए ये भगवान के पक्के भक्त है।
फिर दरवाजा खटखटा है, फिर विभीषण आए हनुमान से मिले, मिल करके दोनों मुलाकात हुई है। जब विभीषण को पता चला ये हनुमान जी कौन है, भगवान की सबसे प्यारे भक्त है, वो क्या कहते हैं, आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता, जो रघुवीर मोय अनुग्रह किने तो मैं दरस हट देने लगता है, आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हुई है तब आज संत दर्शन मिला है। अगर संत दर्शन मिल गया तो विभीषण कहता है भगवत प्राप्ति की कोई देर नहीं, जल्दी जल्दी मिलेगा। देखो और एक अच्छी चीज सुनो, इतने में श्री विभीषण ने कहा देखो हनुमान मेरे तेरे लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे लिए भी तू एक काम करना। बोले क्या करेंगे? बोले तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है, तेरे पास में पिताजी और मेरे पास में माता जी, मैं तेरे को माता जी से मिला देता हूँ तो मेरे पिताजी से मिला देना। बोले कोई बात नहीं। कहते विभीषण के पास में कौन? माँ। कौन है? सीता। अशोक वाटिका में। बोले तेरे पास में कौन है? राम, मतलब पिताजी तेरे पास में। पिता माता मिलन हो तभी तो पूरी होगा ना, तभी तो पूरी होगी, इसलिए मैं तेरे लिए ये काम करूँ तू मेरे लिए काम कर लेना। अभी बोले जाओ तुम अशोक वाटिका में जाओ, अशोक वाटिका में माता सीता जी है वहीं पर मुलाकात हुई, फिर हनुमान की मुलाकात हुई। बोले देख मेरे अपना काम कर लिया, अभी तेरा काम बाकी रह गया, मेरा काम कर लेना। बोले ठीक है। अभी विभीषण ने जब रावण को समझाने के लिए गया, देख ये माता सीता स्वयं लक्ष्मी है, हम पुलस्त्य ऋषि के वंशधर, हमारा ये धर्म नहीं, पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना, ये हमारे धर्म नहीं, जाओ सीता माता को वापस दे करके आओ। रावण उसको लात मार कर भगा दी और उसने आया प्रभु राम की शरण में। जब विभीषण आए बंदरों ने पूछा भैया तेरा नाम कौन है? बोले विभीषण। बोले तू है कौन? बोले रावण के छोटे भैया, उसको तो रस्सी में ना बांध बूंद कर रस्सी में उसको लेकर के आए राम को पास में। जब लाए इतने में विभीषण देखा भैया ये क्या कर रहे हैं, हनुमान ने कहा था मैं अपना काम करूंगा और पिताजी को पास में आया, ये बंदर तो मेरे को रस्सी में बांध बूंद कर लेकर के आए। जब बांध बूंद करके लेकर के आए इतने में श्री हाँ, जब इतने में देखा हनुमान जी वहां बैठा हुआ है, हनुमान जी को देख करके ना उसको थोड़ी छाती चौड़ी हो गई। ये क्यों? देखा भैया कोई पहचान व्यक्ति हमारी है यहाँ पर, उसका छाती चौड़ी हो गई। जब चौड़ी हो गई छाती इतने में हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, बोले विभीषण ठीक ठाक हो कि नहीं? बोले एकदम बात मत करो। बोले क्यों? बोले तू आया था लंका में, मैंने तुमको पिताजी को माता जी को साथ में मिलाया, तुमने बताया था ना पिताजी को साथ में मिलाने के लिए, तुमने बताया था देखो मेरे कैसे रस्सी में बांध बूंद कर कैसे लाए। इतने में हनुमान जी ने पूछा ये बताओ तू अपना परिचय क्या दिया था? बोले मैंने परिचय दिया था रावण का छोटे भैया। बोले तभी तो बांध करके लाए, रावण तो भगवान की शत्रु है, अगर तू बोलोगे शत्रु का छोटे भैया करके तो बांध करके लाएंगे। हाँ अगर तू इतनी बात बताता हूँ हनुमान जी का मित्र हूँ मैं, कौन हूँ? हनुमान जी का मित्र हूँ, तेरे को तो डायरेक्ट स्वागत करके ले जाते। हाँ यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर हम अपना परिचय क्या दे, हम भगवान के सेवकों का सेवकों का सेवक है, दासों का दास, अगर हम परिचय देना फिर तो भगवान हमें भगवान को पास में स्वागत करते हुए ले जाएंगे। अगर हम अभिमान करेंगे ये हमका दास हमारे हमका ये है मेरा नाम अमुक है हमारे ये परिवार हम ये है फिर तो तुमको बांध बूंद कर दे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु बोले यह हाय अभी तुम सही लाइन पर आए। बोले क्यों? ये जो श्लोक में साधु संघ की संतों की संघ की महिमा बताए और भक्ति की महिमा बताए और ज्ञान को छोड़ने के लिए उन्होंने बताए, इसलिए इसको सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। बोले ए हाय अभी तुमने सही लाइन पर आ गए हो, क्यों? साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लभ मात्र साधु संघे सर्वसिद्धि है। जीवन में अगर एक लभ अगर सत्संग मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, सत्संग से जीवन धन्य हो जाता है। बोले तुमने अभी लाइन पर आए हो, हाँ इसको ऊपर अगर कुछ हो ना इसको ऊपर की बात करो। अभी कितना टाइम हो गया? 8:30 कितना हो गया? 8:20 नहीं ये घड़ी आ गई 8:30 अभी 8:10 हो गया 8:10 हाँ तो मैंने कहा 10 मिनट अभी टाइम है, कल की छुट्टी है कल की छुट्टी है। हाँ हरे कृष्ण।
इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। देखो सत्संग की एक कथा सुन लो। फिर एक समय श्री नारद जी भगवान के पास में गए, बोले प्रभु जी मैंने सुना सत्संग की बड़ी महिमा है, आप थोड़ी सी सत्संग की महिमा बताओगे? बोले एक काम करो, तुम जंगल में चले जाओ, अमुक स्थान पर जाओ, वहां पर एक गिरगिटी है, वो सत्संग की महिमा बताया। बोले प्रभु गिरगिट सत्संग की महिमा बताएगा? बोले हाँ। तब सचमुच से जंगल में गया, देखा सचमुच से गिरगिटी है। तब उन्होंने बोले ठाकुर जी तुम्हारे पास में भेजा ये सत्संग की महिमा को बताने के लिए। इतने में आप गिरगिट देखे हो सबके सब, कौन कौन गिरगिट देखे हो? सबके सब देखे आप, देखना वो सिर ऐसे हिलाता है। जब उन्होंने पूछा भैया सत्संग की महिमा बताओ, उन्होंने सर एक बार हिलाया तो बोले अरे ठाकुर जी तेरे पास में भेजे सत्संग की महिमा बताने के लिए हैं। उसने दो बार, जब तीसरे बार पूछा ना, इतने में गिरगिट उसकी शरीर छूट गया, वो गिरगिट प्राण त्याग दे दिया। बोले ये क्या हो गया, ये तो शरीर छोड़ दिया। फिर आए बोले प्रभु जी वो तो मर गया, प्राण त्याग दे दिया। बोले एक काम करो, जंगल में अमुक स्थान पर जाओ, एक तोता ने सत्संग की महिमा बताया। वहां पर गए सचमुच एक तोते को देखे, वो तोते को देखकर जो उन्होंने पूछा है ना, एक बार दो बार तीन बार पूछते ही वो तोता भी शरीर छोड़ दिया। फिर वापस आए बोले प्रभु दो दो प्राणी मर गए, जिसको पास में जाता वही मर जाता है। बोले आप बताओ सत्संग की महिमा क्या? बोले देखो नारद जी एक काम करो, अमुक जगह पर एक गैया ने एक बछड़ा जन्म दिया है, वो बछड़ा बताएगा। लेकिन जब वहां पर गए देखा सचमुच एक बछड़ा जन्म लिया, तब उन्होंने बोले ठाकुर जी बोले सत्संग की महिमा बताओ। वो बोलते ही ना वो बछड़ा भी वहीं पर प्राण त्याग करते हैं। बोले ये क्या हो रहा है, जिसको पास में जाओ वही प्राण त्याग देता है। बोले प्रभु तीन तीन प्राण मरवा लिया हमसे, आप बताओ सत्संग की महिमा क्या? बोले एक काम करो, अमुक राज्य में जाओ, राजा का बेटा जन्म लिया होगा वो तुमको बताएगा। बोले भगवान वो अगर मर गया तो राजा में तो जल देगी। लेकिन ठाकुर जी ने भेजा, सचमुच से देखा राजा का एक बेटा जन्म हुआ है। और नारद जी वहां पर गए, बोले आप कृपा करके बताओ सत्संग की महिमा क्या? बोलते ही ना वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। नारद तो बोले हो गया, इसका काम हो गया। नारद तो वहां से भगे, वहां से जब भग रहे थे क्या हुआ था, वो जो बच्चा जन्म जब से लिया था तब से बच्चा रोया नहीं। अब देखना बच्चा अगर नहीं रोता है तो गूंगा, वो बच्चा गूंगा होता है। इसलिए देखना बच्चा जब जन्म लेकर नहीं रोए ना, वो बच्चे को मार मार कर उसको रुलाना चाहते हैं, उसको रुलाना, अगर वो नहीं रहा तो मेरा परिवार रोता है। वो जन्म से ही वो गूंगा था, लेकिन जब श्री नारद जी का दर्शन हुई, नारद जी का दर्शन हो तो उसका मुंह खुल गया। हाँ, उसका मुंह खुल गया, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। जा करके जितने लोग थे बोले महाराज महाराज आपको जो बेटा जन्म लिया था ना, रोना शुरू कर दिया, मतलब उसका मुंह खुल गया। बोले कैसे हुआ? बोले पता नहीं कोई एक संत आए थे, वो संतों को दर्शन मात्र से उसका मुंह खुल गया। बोले भैया वो संत कौन थे? बोले आए थे चले गए। बोले चलो जल्दी जल्दी उनको लेकर के आओ संतों को। नारद जी को पीछे भागे, बोले बाबा रुको रुको, नारद समझ गए हो गया लगता है बच्चा मर गया होगा इसलिए मेरे को पकड़ने के लिए आए। बोले बाबा रुको और बाबा रुको, नारद जी रुके, बोले आपको महाराज जी बुला रहे। बहुत बड़ा डटते डटते आया, और आते ही राजा ने नारद जी को सिंहासन में बैठाया, पूजा किया, चरण की पूजा की। बोले बाबा मेरा बेटा जन्म से ही ढूंढा था, लेकिन आपका आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही उसका मुंह खुल गया, आपने बड़ी पुण्य की है। इतने में फिर नारद जी वो बच्चे को पास में गए, बोले बच्चा ये बताओ ठाकुर जी तेरे पास में इसलिए भेजे थे ये साधु संत की महिमा को जानने के लिए, आप बताओ। बोले अभी तक नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले बाबा पहले जन्म में मैं गिरगिट था, लेकिन जब आपको मैंने दर्शन किया, नारद जी कौन है? भगवान की परम भक्त है, भगवान की परम भक्त है। कहते पुंस अखनो सभी तुरजथा, जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, एक संतों का दर्शन से कद करोड़ों जोजन तक उसका निस्तार हो जाता है, एक करोड़ों जोजन तक पवित्र हो जाता है। यहाँ पर कोई गुजरात है? कोई गुजरात? कोई गुजरात नहीं है, एक और कौन दो? इसलिए अब लोग पद्म पुराण की कथा सुने होंगे। बोले भक्ति देवी खुद कहती है गुरुजने जीर्णताम गता,
मैंने जब गुजरात में गई मैं बुरी हो गई। क्यों? गुजरात के लोग बड़े नास्तिक लोग थे। अगर कोई छोटी तिलक धारी कोई पहुंच जाए ना, जब तक उसको देश से खदेड़ नहीं दे तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। किसी घर में ठाकुर को सेवा पूजा तुलसी पूजा कुछ नहीं, बड़ा नास्तिक देश था। इसलिए भक्ति देवी कहती है मैं जाकर वहां बुरी हो गई। लेकिन अभी आप देखोगे गुजरात सबसे समृद्धशाली, भारत में सबसे ज्यादा पैसा वाले आप देखो गुजरात में, ज्यादा अगर भक्त देखो गुजरात में। मोदी कहां के होता? गुजरात के ना, नरसिंह। इसलिए यहाँ पर कहते बोले कैसे क्यों हो गया, कभी इसका कारण क्या बताए? इसका कारण बताए वहां पर तुकाराम, नरसिंह भगत, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, ये सब बड़े बड़े साधुओं को जन्म ग्रहण हुए। कभी जहां पर संतों का आविर्भूत प्रादुर्भूत होता है संतों का, वो संत प्रकट से ही स्थान पवित्र हो जाता है, स्थान पवित्र हो जाते हैं। और गुजरात में देखोगे बड़े से बड़े दानी लोग भी वहीं पर देखोगे, भक्ति करने वाले सब देखोगे वहीं पर है, और सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग भी वहीं पर देखोगे। कारण क्या बोले? कारण है वो घर घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति दान पुण्य वो सब कुछ करते हैं बोलो। इसलिए करने का नाते ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं ना, और ठाकुर को जो सेवा करेगा तो लक्ष्मी तो आएगी, कृपा करके तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी कहाँ रहती है? ठाकुर जी की चरण में ही लक्ष्मी रहती है। जितने ठाकुर का सेवा पूजा करोगे लक्ष्मी तो वही पर आती है, इसलिए वहां पर सबसे समृद्धशाली है। कहते क्यों? बोले संतों की आशीर्वाद से, संतों की कृपा से वो देश इतने समृद्धशाली बन गया। इसलिए कहा पहले मैं गिरगिट था, गिरगिट से मैंने आपको दर्शन मात्र से फिर तोता जन्म में आया, फिर आपका दर्शन करते फिर शरीर छूटा, फिर मैंने बछड़े रूप में जन्म लिया। इसलिए कहते हैं ये बछड़े को जन्म के बाद में ना ये इंसान जन्म होता है, गैया जन्म के बाद में फिर ये इंसान जन्म होता है, और आपके आशीर्वाद से मैंने राजकुमार बन करके आया। लेकिन जन्म से ही मैं गूंगा था, जन्म से ही गूंगा था, लेकिन आपका दर्शन मात्र से ही मेरा गूंगापन खत्म हो गया, फिर मुंह खुल गया। इसलिए बाबा साधु संघ की बड़ी महिमा साधु संघ की है। इसलिए बोले साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि। इसलिए यहाँ पर साधु संघ की महिमा इस श्लोक में बताए। इसलिए महापुरुष कहते हैं क्या है यह हाय, मतलब अभी तुम लाइन में आए हो, लेकिन यही सब कुछ नहीं, अब तो साधु लाइन में आ गए हो लेकिन और कुछ आगे की बात बताओ। जब और कुछ बात बताए तब श्री प्रभु कहे एहो हाय आगे कहो आर, राय कहे हैं। इसलिए राय कहे दास से प्रेम सर्वसाध्य, लेकिन इसको आगे चली गई। इसको बीच में अब एक ये है अभी मिल लिखा है, उसको बाद में बताए। इसको जो बाद में साधु संघ में आ गए, लेकिन उसको बाद में बताते हैं भक्ति युक्त जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति युक्त जो प्रेम है, हाँ, उसमें उदाहरण उन्होंने उदाहरण देकर समझाए। जैसे आपको पेट में बड़ी भूख लग रहा है, अब घर में आए हो, जब घर में आए हो लेकिन आप पत्नी को ये नहीं पूछोगे आज क्या क्या बनाया है, बताओ आज क्या क्या कौन सा सब्जी बनाया क्या क्या बनाया, आप पूछोगे नहीं। अगर भूख है ना बोले भैया जो कुछ है लेकर क्या हो गए। लेकिन अगर पेट में भूख नहीं होगा ना फिर आप क्या बहाना होगा बहाना होगा आज क्या क्या तुमने बनाया, कौन सा सब्जी बनाई गई है, ये सब्जी बनाई कि नहीं, ये सब्जी बनाई कि नहीं। अगर पेट में भूख होना है, अगर नमक अगर रोटी दे दो ना वो भी बढ़िया अच्छी लगती है। अगर पेट में भूख नहीं हो जितने बढ़िया से बढ़िया खाना क्यों नहीं हो, वो खा कर इतना आनंद नहीं मिलता है। अगर पेट में भूख हो ना फिर तो कुछ भी हो आप उसको अमृत के साथ में खा लोगे। क्योंकि उसी तरह जैसे भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर फल फूल, बड़ी सुंदर ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सुंदर चीज से ठाकुर जी का आप सेवा कर रहे हो, लेकिन हृदय में तुम्हारी भक्ति की भावना नहीं,
प्रेम की भावना नहीं, लेकिन जितने सुंदर उपचार होने पर भी वो इतना शोभा नहीं देता है। लेकिन अगर आपका हृदय में भक्ति की भावना है, आपका हृदय में प्रेम है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तब अहम भक्त उपहृत अस्नामी प्रजतात्मन। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन ने चार चीज का नाम लिया है, अगर ये चार चीज को अगर मेरे को कोई भक्ति पूर्वक प्रदान करते हैं मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। वो चार चीज का क्या क्या नाम लिया कृष्ण, बोले जो बिना पैसा में मिलता है, बिना पैसा में जो मिलता है। पहला नंबर बोले पत्रम, अगर प्रेम को साथ में अगर मेरे को पत्र दे देते हो, बोले उदाहरण क्या है, बोले श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके दुर्योधन को घर में गए, बोले पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, तो बोले पांच गांव चाहिए, सब कुछ तो भोग कर। उन्होंने बोले बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने तैयार नहीं, तो पांच गांव की बात बताते हो। वो सोच रहा था कृष्ण को खिला पिला कर संतुष्ट कर दूंगा, ग्वाला है, बोले बाद में बात करेंगे, चलो तुम्हारे लिए आज हमने स्पेशल कुक बनाया, बुला कर दिया सुंदर सुंदर छापन भोग छत्रिस व्यंजन बनाया, पहले तुम खाना खा लो फिर बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देखो तीन जगह पर खाना खाते हैं, अगर कोई मित्र हो तभी खाना खा लेते हैं। दुर्योधन ने कहा क्या मित्र मित्र है नहीं, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले पांडव मेरे मित्र है, उनका जो मित्र वो मेरे मित्र है, उनका जो शत्रु वो मेरे शत्रु है, इसलिए तुम मेरे मित्र नहीं। दूसरा जगह पर कब खाओगे, आप जिस काम पर अब आए हो अगर वो काम बन जाता है ना, बोले भैया जो काम ही बन गया थोड़ा भोजन ही कर लो, खुश होकर भजन कर लोगे, बोले जिस काम के लिए आया था वो काम नहीं बना। बोले तीसरा जगह पर कहाँ खाओगे, अगर आपकी भूख हो, भगवान बोले मैं स्वयं आत्मा राम आप तक आम हूँ, मेरे कोई भूख है ही नहीं, मैं तो बोले प्रेम की भूख हूँ भूखा हूँ, बोले कहीं तक खाओगे, बोले जहाँ इच्छा खा लूंगा। फिर कृष्ण कहाँ गए, बोले विदुर जी के घर में गए, और विदुर जी के घर में जाकर उन्होंने साग भाजी ठाकुर जी का है उसी में ही संतुष्ट हो गए। बोले पत्र बोले पुष्पम, बोले भगवान को अगर एक फूल लेकर के चढ़ा दो, फूल किसने चढ़ाया, बोले श्री गजराज ने, जब मगरमच्छ इसको पकड़ कर खींचते हुए ले जा रहा था उसने केवल एक कमल फूल लेकर के ठाकुर का अर्पण कर दिया, और ना रा अभी यना नहीं बोला, केवल दो अक्षर बोले, इतने में भगवान सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगर मच्छी को काट दिया। पत्रम पुष्पम बोले फलम, बोले फल किसने दिया, बोले सबरी, सबरी फल ने दिया। कहते ना सबसे ओची प्रेम सगाई, सबसे ओची प्रेम सगाई, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी खाए, बहु विध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान केवल प्रेम के ठाकुर जी, तो केवल सबरी, तेरी झूठे बैर में आज जो स्वाद आया ना, वो वैकुंठ में लक्ष्मिया मेरे को कितने छापान भोग छत्तीस व्यंजन भोग लगाते उसमें ये आनंद नहीं आता। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम और क्या रह गया, कहते पानी जल है, कहते जल किसने दिया, बोले श्री अद्वैत आचार्य ने, उन्होंने केवल गंगा पानी और तुलसी पत्ता दे करके भगवान को पुकारा तो भगवान का वैकुंठ में भगवान का आसन हिल गया, आसन हिल गया, भगवान वैकुंठ कोल्लो पर वृंदावन छोड़ करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में श्री महाप्रभु का रूप में आ गए। इसलिए कहते जहाँ भूख है वहीं पर प्रेम है, वहीं पर प्रेम है, इसलिए बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, कहते अगर भक्ति पूर्वक अगर कोई मुझको प्रदान करता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए यहाँ पर बताए अगर आपके हृदय में प्रेम है, आपका हृदय में भक्ति है, पास भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान प्रेम को दर भगवान रीझ जाते हैं। जब उन्होंने ये बात बताई ना महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ ये तुमने अभी सही रास्ता पर आए हो, लेकिन अभी तो प्रेम की बात बताए हो, लेकिन ये प्रेम का भी कुछ सोपान है, कुछ ग्रेड है,
इसलिए आगे कहा हुआ, फिर उन्होंने दास्यम, फिर सख्यम, फिर बात्सल्यम और फिर मधुर रस की बात करते हैं। ये बात को हम कल सुनेंगे, इसको ऊपर की बात हम कल सुनेंगे, लेकिन आज हम यहाँ बैठ करके ना एक माला जप करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी तो मैंने माला लाया नहीं, मैं भूल गया माला लेने के लिए, लेकिन जिनको आप लाए नहीं लाए ना, अभी जिन लोगों के पास में ये माला है ना, आप लोग तो माला जप कर लो, जिसको पास में नहीं है आप लोग मेरे साथ में आप लोग हरिनाम कर लो, और हमारे साथ में हरिनाम करने का आपको फल मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ देखो यहाँ पर आज नए नए भक्त लोग कौन आए, हाथ उठाओ तो, नए कौन आए, एक माता जी, और कौन नए आए, दो, और कौन नए आए, तीन, और कौन आए, ती, 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 तीन, और कोई नए आए हो जो आते नहीं सत्संग में। हाँ देखो देखो ये जो माला है ना, आपको एक एक मिनट के लिए आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने श्री, हाँ देखो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु का नाम। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। महाप्रभु बोले देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता। बोले किसको घर में खाना खाते हैं, बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति बनेगा। उसी समय लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो, 5.5 साल पहले लखपति जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हम तो कभी जिंदगी में लखपति बन नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब जिसको बाद में 100 स्वर्ण मोहर हो, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। तब महाप्रभु सबको बैठा कर समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप बाज लगाऊं गली गली।